विपक्षी दलों का आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आज सुबह 11 बजे होगा। आपको बता दें कि विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी होंगे विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल। एमपी संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। आपको बता दें आज सुबह 11 बजे विपक्षी दलों का प्रदर्शन होना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होंगे। एमपी संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। दिल्ली से आपको खबर बता दें विपक्षी दलों का आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने वाला है। आज सुबह 11 बजे विपक्षी दलों का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी होंगे विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल। एमपी संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली से खबर आपको बता दें विपक्षी दलों का आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होना है। आज सुबह 11 बजे विपक्षी दलों का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होंगे। एमपी संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली से इस वक्त की खबर आ रही है विपक्षी दलों का आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होना है। आज सुबह 11 बजे विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन होना है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होंगे। एमपी संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च निकाला जाएगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी प्रीत किरण, देखिए आज विपक्षी दलों का आज सुबह 11 बजे प्रदर्शन होना है जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, बुधवार को जो संसद सत्र खत्म हो गया उसमें विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि संसद के सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला और इसको देखते हुए वो प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले जो प्रदर्शन है संसद भवन से लेके विजय चौक आने से पहले संसद में सुबह 10 बजे बैठक की जाएगी और तमाम जो विपक्षी दलों के नेता है, चाहे वो टीएमसी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, तमाम कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके बाद बैठक के बाद आगे की क्या कुछ रणनीति होगी उसे तय किया जाएगा। अब बैठक के बाद गांधी प्रतिमा जो कि संसद भवन में मौजूद है वहां पर पहुंचकर उसके बाद मार्च शुरू होगा संसद से लेके और संसद भवन के बाहर विजय चौक तक जहां पर मीडिया खड़ी रहती है वहां तक जो है ये प्रदर्शन करेंगे और ये बात बताने की कोशिश की जाएगी कि कोरोना के मसले पे, महंगाई के मसले पे, फोन हैकिंग जो पेगासस मामला है उसको लेके तमाम मुद्दों पे, किसानों के मुद्दे पे विपक्ष अपनी बात रखना चाहता था लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी, विपक्ष को मौका नहीं दिया गया, लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष की तरफ से बोलने का मौका नहीं दिया, विपक्ष को संसद के अंदर सवाल रखने का मौका नहीं दिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे कि विपक्ष ठीक है सवाल कर सकते उसका जवाब दिया जाएगा लेकिन विपक्ष पूरे जो संसद का मानसून सत्र रहा उसमें प्रदर्शन होता रहा और विपक्ष ने कहीं ना कहीं चर्चा में भागीदारी नहीं निभाई और इसको देखते हुए आज ये विरोध प्रदर्शन है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा विपक्ष की ओर से। आयुषी जी शुक्रिया प्रीत किरण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें आज सुबह 11 बजे प्रदर्शन होना है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होंगे।